बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर वन, इसके अंदर जब आंसर लिखेंगे, आंसर के लिए मैं जगह छोड़ देता हूँ। ऐसे तीन फ्रैक्शंस आएंगे, एंड पे आंसर इधर लिख देंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। सबसे पहले x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा प्लस, अब ये जो होल स्क्वायर में वैल्यू लिखी होगी ना, ये वैल्यू एक दफा दोबारा लिखनी है। अगर स्क्वायर में आ गई तो एक दफा दोबारा लिखनी है, लेकिन अब की बार स्क्वायर के बगैर। अगर क्यूब होता तो पहले क्यूब वाली लिखते, फिर स्क्वायर वाली, फिर बगैर क्यूब और स्क्वायर के। इधर स्क्वायर वाली एक दफा स्क्वायर के साथ, एक दफा स्क्वायर के बगैर। अब अगला आ गया एक्स माइनस टू, इसके न्यूमिरेटर में ए, इसके न्यूमिरेटर में बी, इसके न्यूमिरेटर में सी। अगर एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा होता तो इधर मैं लिखता ए एक्स प्लस बी, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, ना इधर था ना इधर था, तो एज इट इज लिखते ना इसे। अब क्या करना है, जो इसका डिनोमिनेटर है वो सबसे मल्टीप्लाई करवाना है। क्या इसका डिनोमिनेटर है? एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन का स्क्वायर और एक्स माइनस टू, ये मल्टीप्लाई करवाना है। एक्स माइनस वन का स्क्वायर एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन का स्क्वायर एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई करवाना है। एक्स माइनस वन का स्केयर इधर कटा, एक्स माइनस वन एक कटा, स्केयर था नीचे एक था तो स्केयर से कट गया। एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू से कटा, एक्स माइनस वन का स्केयर इधर कटा, एक्स माइनस टू इससे कट गया। जो चीज़ बची है वो लिखते हैं। एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इससे आगे हल करने के इसे दो तरीके हैं, एक तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, और दूसरा तरीका है एक्स की जगह अगर लिख लें टू तो ये वाली पूरी वैल्यू, यानी अगर इधर आ जाए टू तो ये हो जाएगा टू माइनस टू, इधर आ जाए टू ये हो जाएगा टू माइनस वन, इधर आ जाए टू ये हो जाएगा टू माइनस टू। तो इस टू माइनस टू की वजह से ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो, ये दोनों चीज़ें हो जाएगी खत्म। और एक्स की जगह पर अगर आए टू इधर तो सी की वैल्यू मिल सकती है हमें। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक्स की जगह पुट करता हूँ टू। अब ये मेरे माइंड में कैसे आया कि मैं टू ही पुट करूँ, तो जो पहला फैक्टर होगा उसको जीरो के इक्वल रखें, इधर से जो एक्स की वैल्यू मिलेगी वो पुट करने की बात है। फिर सेकंड फैक्टर चूज करें एक्स माइनस वन, इसको जीरो के इक्वल रखें, एक्स की जो वैल्यू आए वो पुट करें। थर्ड फैक्टर और फोर्थ ऑलरेडी हो चुके हैं, पुट कर चुके हैं, एक्स माइनस टू वो निकल चुकी है वैल्यू, एक्स माइनस वन की वो निकल चुकी है। तो पहले पुट करना है एक्स इज इक्वल्स टू टू, लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल्स टू टू, और फिर इधर क्या करेंगे, इधर पुट करना है पुट एक्स इज इक्वल्स टू वन। जब एक्स टू पुट करेंगे तो टू का स्केयर माइनस थ्री इंटू टू प्लस वन इज इक्वल्स टू ए इंटू टू माइनस टू प्लस बी इंटू टू माइनस वन इंटू टू माइनस टू प्लस सी इंटू टू माइनस वन का होल स्केयर। ये बना फोर माइनस सिक्स प्लस वन, ये बना ज़ीरो, ए इंटू जीरो टू माइनस टू ज़ीरो, ए इंटू ज़ीरो ज़ीरो, टू माइनस टू ज़ीरो, तो ये पूरी टर्म भी हो गई ज़ीरो। पीछे बचा सी वाली टर्म सिर्फ, सी इंटू टू माइनस वन यानी वन का स्केयर। तो सी इंटू वन का स्केयर वन नहीं होता है, फोर माइनस सिक्स माइनस टू, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो सी की वैल्यू निकलेगी। अब एक्स जब वन पुट करेंगे तो आएगा वन का स्केयर माइनस थ्री इंटू वन प्लस वन इज इक्वल्स टू ए इंटू वन माइनस टू प्लस बी इंटू वन माइनस वन, वन माइनस टू प्लस सी इंटू वन माइनस वन का होल स्केयर। वन माइनस टू आ गया माइनस वन, तो माइनस वन ए से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस ए बना, वन का स्केयर वन माइनस थ्री प्लस वन, वन माइनस वन आ गया ज़ीरो, तो ये पूरी टर्म हो गई ज़ीरो, वन माइनस वन ज़ीरो, ये पूरी टर्म हो गई ज़ीरो। तो
तो ये बना 1 + 1 2 - 3 -1 इज इक्वल टू -8 ए इज इक्वल टू 1। इस मेथड से ए और सी की वैल्यू तो निकल आई, बी की वैल्यू अभी तक नहीं निकली। उसके लिए कंपेयरिंग द कॉफिशेंट्स करना पड़ेगा, कॉफिशेंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। कॉफिशेंट्स को कंपेयर करने के लिए इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 1 इक्वल्स टू ए एक्स माइनस 2a प्लस बी इंटू, पहले इस चीज को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 प्लस सी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 1 इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस 2a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स बना -3x -3x बी से हुआ -3bx प्लस 2b प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी -2cx ये चीज बनी। अब लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली कितनी वैल्यूज हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, राइट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है बी प्लस सी। बस इतनी चीज ही चाहिए, बी की जगह पे बी लिखा रहेगा, सी की जगह पे क्या लिखेंगे -1 इक्वल्स टू 1, ये -1 उधर जाके +1 तो बी की वैल्यू आ गई 2। अब आंसर की तरफ चलते हैं, आंसर लिखते हैं। पहले ए ओवर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, लेकिन ए हमारा क्या है, ए हमारा आ गया 1 तो इधर लिखेंगे 1। फिर बी ओवर एक्स माइनस 1 यानी 2 ओवर एक्स माइनस 1, फिर सी ओवर एक्स माइनस 2 यानी -1 सी की जगह, और एक्स माइनस 2 नीचे लिखा हुआ है एक्स माइनस 2 ये आ गया। तो ये जो चीज़ बनी है हमारा आंसर है, पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया हमने। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है एक्स रेज टू पावर 4 + 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। सबसे पहले तो देखते हैं इनमें न्यूमिरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर न्यूमिरेटर बड़ा है तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और एक्चुअली न्यूमिरेटर की डिग्री 4 है, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बनेगा एक्स क्यूब, तो डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमिरेटर बड़ा है। अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो ये चीज बनेगी। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हल करके पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो उसका प्रॉपर पार्ट होगा उसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगे। ऊपर वाली वैल्यू अंदर लिख ली, नीचे वाली वैल्यू बाहर लिख ली। इसको एक्स रेज टू पावर 4 तक पढ़ना है, एक्स क्यूब एक्स टाइम्स एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर भी एक्स से मल्टीप्लाई हुआ माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस कटा, नीचे वाले सब के साइंस बदलने होते हैं, पीछे बचा प्लस एक्स क्यूब नीचे वाला साइन देखना और प्लस 1 ये चीज़ बची। अब एक्स क्यूब कितने टाइम्स एक्स क्यूब 1 टाइम्स एक्स क्यूब, और माइनस एक्स स्क्वायर 1 टाइम्स माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से साइंस बदले ये वैल्यू कटी, पीछे बचा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये बच गया। इसकी होल में लिखेंगे एक्स प्लस 1, न्यूमिरेटर में लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, बल्कि ये डिनोमिनेटर होगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और ये न्यूमिरेटर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इतनी जो चीज़ है इसको हल करके हमें आंसर निकालना है, इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बन सकते हैं। ये इसका प्रॉपर पार्ट है और ये होल पार्ट है, प्रॉपर पार्ट के पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, यानी इसको वापस से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लेके लिख लिया। अब इधर बटे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर और बटे में आ जाएगा एक्स माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर एक दफा आया, स्क्वायर वाली टर्म एक दफा अलग से आएगी एक्स के साथ,
यानी अगर किसी चीज़ पे स्केयर आ गया, वो एक दफ़ा स्केयर के साथ लिखनी है और एक दफ़ा स्केयर के बगैर, ये दो चीज़ें होगी, और ये एक्स माइनस वन बचा था वो इधर आ गया। इसके ऊपर ए लिख देंगे, इसके ऊपर बी लिख देंगे, इसके ऊपर सी लिख देंगे। इन सब को मल्टीप्लाई करवाना है इस डिनोमिनेटर से, एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस वन से, एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस वन से, इधर भी एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस वन से, और इधर भी एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस वन से। एक्स स्केयर को काटेगा, एक्स माइनस वन को काटेगा, एक्स स्केयर को काटेगा, एक्स माइनस वन को, एक्स स्केयर को काटेगा। एक चीज, सेम चीज, सारी टर्म से, एक इक्वेशन की सारी टर्म से मल्टीप्लाई करवाई जा सकती है। एक्स स्केयर प्लस वन इधर बचा, ए इंटू एक्स माइनस वन इधर बचा, प्लस बी इंटू एक्स स्केयर, प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन, ये चीज बनी। अब सबसे पहले एक्स माइनस वन को रख लेना है जीरो के इक्वल, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन। ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, तो वन का स्केयर प्लस वन, ए इंटू वन माइनस वन, बी इंटू वन का स्केयर प्लस सी इंटू वन, वन माइनस वन, वन माइनस वन होता है जीरो, ये पूरी चीज हो जाएगी जीरो, ये पूरी चीज हो जाएगी जीरो, वन माइनस वन होता है जीरो, तो ये पूरी चीज भी हो जाएगी जीरो। पीछे बच गया बी इंटू वन का स्केयर, वन का स्केयर वन ही आएगा, वन का स्केयर वन, इधर बी बचा, इधर टू बचा, ये चीज आ गई। बी की वैल्यू मिल गई। अब करेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स को जीरो पुट करते हैं। पहले पहले ए के साथ जो लिखी थी चीज उसको जीरो के इक्वल लिखा, अब बी के साथ जो चीज लिखी है इसे जीरो के इक्वल लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को जीरो के इक्वल, तो ये आएगा एक्स इक्वल टू जीरो। इसे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, जीरो का स्क्वायर प्लस वन, ए इंटू जीरो माइनस वन, प्लस बी इंटू जीरो का स्क्वायर, प्लस सी इंटू जीरो माइनस वन, ये पूरी चीज हो गई जीरो, ये पूरी चीज भी हो गई जीरो। पीछे बच गया वन इधर, और इधर बचा ए इंटू माइनस वन, यह आ जाएगा माइनस वन, उस साइड चला जाएगा तो माइनस वन बन जाएगा, ए की वैल्यू आ गई। अब ए और बी तो मिल गए, सी नहीं अभी तक मिला हमें। सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, सी की वैल्यू निकालने के लिए कॉफिशेंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा, कॉफिशेंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा, कॉफिशेंट्स को कंपेयर करने के लिए इनको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वन, ए एक्स माइनस ए, प्लस बी एक्स स्क्वायर, प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस सी, ये बनेगा। अब लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, वन। राइट साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, बी प्लस सी, इधर से सी मिलने वाला है। बी की वैल्यू पुट करेंगे टू, तो सी आ जाएगा वन माइनस टू, तो सी आ गया माइनस वन, ये तीनों वैल्यूज मिल गई। अब आंसर लिखना है, आंसर कैसे लिखेंगे, ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ए की जगह आ जाएगा माइनस वन, बी की जगह क्या आ जाएगा, बी की जगह आ जाएगा टू, सी की जगह क्या आ जाएगा माइनस वन, वो माइनस इधर आ जाएगा माइनस वन ऐसे। और इसके शुरू में ये जो एक्स प्लस वन ने अलग किया था ये प्लस कर देना है, तो ये पूरा बन गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर था। क्वेश्चन नंबर फाइव, पहले तीन सवालों के जैसे है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स भी
पहले तीन सवालों के जैसे। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन सेवन कहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, ये इसका डिनोमिनेटर है और मैंने देखा कि इसका न्यूमिनेटर बड़ा है, डिग्री दोनों की टू है लेकिन सबसे बड़ी पावर के साथ कोफिशियंट ऊपर वाले का बड़ा है, नीचे वाले का कोफिशियंट वन है ऊपर वाले का थ्री, तो न्यूमिनेटर बड़ा है। अब इसको होल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर अंदर लिखेंगे डिनोमिनेटर बाहर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर थ्री टाइम्स थ्री एक्स स्क्वायर, फोर एक्स भी थ्री से मल्टीप्लाई होगा ट्वेल्व एक्स, फोर थ्री से होगा ट्वेल्व, सबके साइंस बदलेंगे, कटेगा फिफ्टीन एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स, नीचे वाला साइन कंसिडर करेंगे, फिफ्टीन एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स थ्री एक्स, सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व प्लस फोर, एक्स स्क्वायर थ्री एक्स से मजीद मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो ये होल में आ जाएगा, ये न्यूमिनेटर बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर आ जाएगा। ये चीज उस साइड चली जाती है, ये चीज ऊपर आ जाती है और ये चीज नीचे, मतलब ऐसा साइकिल चल के इधर आ गया। इसको यूं अगर करें तो इधर आ गए थ्री उधर, ये नीचे ये ऊपर, और ये जो चीज़ है इसे कहते हैं प्रॉपर पार्ट। इसको हल करना है हमें, इसको हल करके इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं। इसका प्रॉपर पार्ट लिख लिया। अब जो डिनोमिनेटर है इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर ऐसे। अब ए ओवर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, एक दफा स्क्वायर के साथ एक दफा स्क्वायर के बगैर, सिंपल इन सब को मल्टीप्लाई करवा देते हैं एक्स प्लस टू होल स्क्वायर से, जो इसका डिनोमिनेटर होगा उससे सबको मल्टीप्लाई करवाते जाना है, इसको भी और इसको भी, तो ये तो पूरा ही कट गया, ये भी पूरा कट गया, इधर होल स्केयर से करवाना था, ये सिर्फ इसके स्केयर को काटेगा, तो इधर बना 3x प्लस फोर, इधर a बचा और इधर b इंटू एक्स प्लस टू बचा, बी एक्स प्लस टू बी अगर मल्टीप्लाई करवाएं, लेफ्ट साइड पे x वाली वैल्यू 3 है, राइट साइड पे x वाली वैल्यू b है, तो ये आ गई b की वैल्यू, लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट 4 है, राइट साइड पे कांस्टेंट a प्लस टू की है, b की वैल्यू तो हमें मालूम है, 3 टू 6 आके माइनस हो गया, तो a की वैल्यू आ गई माइनस टू। इस वैल्यू को बस अपने आंसर में पुट करना है, ये चीज लिखनी है, पहले पूरा लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू थ्री प्लस, इसकी जगह पे ये दोनों फ्रैक्शंस हमने बनाई, ए ओवर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस
प्लस बी ओवर एक्स प्लस टू, लेकिन ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, ए की जगह लिखूंगा माइनस टू, तो इधर आ जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा टू, बी की जगह पे लिखेंगे थ्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है 1 ओवर x² - 1 और इसके साथ लिखा हुआ है x+1। तो इस सवाल में इसको लिख सकते हैं x-1 x+1, साथ x+1 लिखा हुआ, ये बन जाएगा 1 ओवर x-1 x+1 का होल स्केयर। ये तीन स्टेप्स हैं और इनके बाद ये सवाल भी पिछले सवालों जैसा बन गया। a ओवर x माइनस वन लिखेंगे, b ओवर x प्लस वन का होल स्केयर लिखेंगे, c ओवर x प्लस वन लिखेंगे, यानी ये एक दफ़ा स्केयर के साथ एक दफ़ा स्केयर के बगैर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 होगा और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 4.2। इसमें 8 सवाल हैं, तो इसके साथ ही एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होगी।